हरियाणा में सत्ता का रण भीषण हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस की जोर आजमाइश के बीच केजरीवाल भी ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली का पड़ोसी होने के नाते हरियाणा भी सियासी हिसाब किताब में अहम रोल निभाता आया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। बीजेपी हैट्रिक की राह पर है तो कांग्रेस 10 साल का वनवास खत्म करना चाहती है, लेकिन लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं है। केजरीवाल की एंट्री से एक बात तो साफ हो गई कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन तितर बितर हो गया है, बिखर गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? हरियाणा की सत्ता, किसका कटेगा पत्ता? एक ओर भरोसेमंद भाजपा है तो दूसरी ओर करप्ट कांग्रेस है। ये दोनों के बीच में तय करना है कौन आएगा कौन जाएगा। कूद लो जितना कूदना है। 8 तारीख को कमल फूल की सरकार बनने वाली है। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस हर जगह से यही आवाज आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हरियाणा का दंगल, किसका मंगल? दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, बार बार कहते थे भाजपा में आ जाओ, एनडीए में आ जाओ, भाजपा में। इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। हरियाणा में सियासी संग्राम पूरे शबाब पर है। बीजेपी हैट्रिक के दावे कर रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं। हरियाणा में बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। जुबानी जंग तेज हो गई है। हरियाणा के दंगल में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैंने कहा हुड्डा साहब, घोषणाएं नहीं है, ये तो ट्रेलर दिखाया था, 8 तारीख के बाद पूरी पिक्चर दिखाने का काम करें। काम कैसे होते हैं आप घोषणाएं बता रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया, मैंने तो 56 दिन किया, आप अगर अपने 10 साल के साथ मिलान करेंगे मेरा 56 दिन का कार्य आपके शासन पे भारी पड़ेगा। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर एक था। सरकारी आंकड़े हैं ये। और आज 14 से 24 तक हरियाणा किस चीज में नंबर एक हो गया भाई? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है केंद्र सरकार का, उसने भी डिक्लेयर कर रखा है हरियाणा असुरक्षित प्रदेश। और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया आपने, उदयवान जी ने बताया कि हमारी पहलवान बेटियों को आज तक न्याय नहीं मिला। तो इस सरकार से सारे वर्ग विमुख हो गए, बातें करते हैं, झूठी बातें कहते हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता हिसाब करेगी, चंद दिनों का ही वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी जानती है कि हरियाणा जीतना है तो पूरी ताकत से मैदान में उतरना होगा। लिहाजा खुद अमित शाह ने कमान संभाली है, ताबड़तोड़ दौरे कर वो सीधे कांग्रेस को ललकार रहे हैं। एक मुख्यमंत्री पद है, ये सुरजेवाला साहब ने नए कपड़े सिला दिए, शैलजा जी रुक कर उत्तराखंड गई है, अब बाकी तो छोड़ो, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा में भी लड़ाई चल रही है भाई, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा। अरे बाप बेटा लड़ रहा है भाई। हमारे यहां तो समय हुआ
मनोहर जी ने कहा मेरा टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ, और युवा मुख्यमंत्री को हमने बिठा दिया, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं। शाह जानते हैं कि सिर्फ कांग्रेस पर हमले से काम नहीं चलेगा, अंदरूनी कलह कांग्रेस की मुसीबत जरूर